हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्ट। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 12th के चैप्टर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बीपीएससी के लिए प्लस टू का फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही जो बच्चे 11th 12th कक्षा में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी ये सारे प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में हमारा टॉप 20 प्रश्न होगा जो कि हम लोग एक एक करके फटाफट से स्पीड में करेंगे, ठीक है। तो इसको करने से पहले एक लाइन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए समय की है कमी, फिर भी इसमें जगह बनाएंगे हम ही, ठीक है। चलिए तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हरप्पा टीले के उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये हमारा जो फटाफट सीरीज है इसलिए मैं फटाफट आपको आंसर बताते जाऊंगी। आपको अगर पता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कर दे, ठीक। तो हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, हरप्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन जी ने हरप्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किया था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दो है वो है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने, ठीक। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने दी की है। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी, ठीक। राखल दास बनर्जी जो है उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, तो हमें बताना है कि हल का प्रमाण जो है वो कहाँ पे मिला है। तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगान। कालीबंगान में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न की ओर, जो कि हमारा चौथा प्रश्न है वो है, हरप्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। जी हाँ, अर्नेस्ट मैके जिन्हें हरप्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर अवतल चक्की पर अर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर, जो है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो ये जो मोहनजोदड़ो शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये जो है सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। किसका है, सिंधी भाषा का शब्द है। सातवां प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान में, ठीक। आठवां प्रश्न है हमारा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी जो है उन्होंने हरप्पा में उत्खनन करवाया था, ठीक। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं अपने नवे प्रश्न को, ठीक है। तो नवा प्रश्न जो है हमारा वो है, कलर ले, चलिए। तो नवा प्रश्न जो है वो है हमारा, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। चलिए, तो कौन था सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता, तो वो थे हमारे भगवान शिव, ठीक है। तो हिंदू देवताओं में सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे, भगवान शिव थे। चलिए ठीक है, तो आंसर नंबर बहुत हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो ये जो है भाई क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है, ठीक है। चलिए हरप्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो वो है हमारे कांस्य युग की सभ्यता, ठीक। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं हम लोग, हरप्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हरप्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर है वो है हमारा मोहनजोदड़ो। कौन सा है, मोहनजोदड़ो, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 13, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। ये जो हमारा साहित्य है वो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए आइए प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देखते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा हुई है, तो वो है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई है। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं, हरप्पा सभ्यता का प्रशासन था। हरप्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वह है हमारा नगर पालिका जैसा, ठीक है। नगर पालिका की तरह हरप्पा सभ्यता का प्रशासन था। प्रश्न संख्या 16, पहली बार हरप्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया। तो पहली बार हरप्पा को जो है 1921 में उत्खनित किया गया, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं, सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है। तो सिंधु सभ्यता में जो गोदीपाड़ा है वो हमारा लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से।
ठीक, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो है वो मोहन जोदड़ो से मिली है। ठीक है, प्रश्न क्या 19, मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहन जोदड़ो है वो जो है हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक, चलिए अब हमारा टॉप 20 का लास्ट है 20वां प्रश्न है, वो है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई। तो आज का जो हमारा सेशन था वो था 20 प्रश्न का टॉप 20 प्रश्न। फिर अगले पार्ट में हम और 20 प्रश्न पढ़ेंगे। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।